हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आपका एक ट्रक से जुड़ी हुई वीडियो पे आपका बहुत बहुत थैंक्स है। तो वीडियो का एंड तक देखते रहिए। आज इस वीडियो में हम आपको एक रियल डेमो देंगे वीडियो की तरफ से कि आपको कैसे भरी गाड़ी में जैक को चढ़ाना है, कैसे चढ़ाते हैं और कैसे सब कुछ होता है। तो क्योंकि बहुत से कमेंट यही आते हैं कि भाई, हमें जो ओवरलोड गाड़ी होती है या अंडरलोड गाड़ी होती है या फिर फुल उसमें जो है माल भर दिया जाता है, फिर उस जैक को कैसे चढ़ाया जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए। तो चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा देना, क्योंकि घंटी नहीं बजाओगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो घंटी को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्यारा सा लाइक करते, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो सबसे पहली बात क्या, अगर आप ट्रक चढ़ाना जो जैक चढ़ाना सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो मिलेगी, उसको देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप उस वीडियो पर जाइए, जो इस वीडियो में बात आपको बताने वाला हूँ उसको पहले आप समझे कि मैं आप क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, एक खाली गाड़ी और भरी गाड़ी तो इनमें ज्यादा अंतर नहीं होता, बस माल का अंतर होता है। जैक कैसे चढ़ता है वो उसी तरीके से चढ़ता है जो खाली गाड़ी में चढ़ता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कितना, एक भरी गाड़ी का मान लीजिए टायर फट गया, टायर फट चुका है तो जैक कैसे लगाने, जैक वैसे ही लगेगा जैसे मैंने बता रखा है कि खाली गाड़ी में जैक कैसे लगाते हैं। सभी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई है, जो मैंने आई बटन में जो है लिंक दिया है, उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। लेकिन भरी गाड़ी में और खाली गाड़ी में अंतर होता है जैक चढ़ाने में। इसमें क्या होता है कि जैक आप जब चढ़ाओगे तो इसमें बहुत ताकत आपकी लगेगी। अगर चूड़ी वाला जैक होगा तो उसको राड से चढ़ाओगे तो उसमें बहुत ताकत आपकी लगती है, उसको फिरा के लगाना पड़ता है। लेकिन जो प्रेशर वाले जैक होते हैं उनको अगर आप चढ़ाओगे तो उनमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि उसमें क्या है कि एक बार आपको प्रेशर से मारना होगा, फिर वो अपने आप ही ऑटोमेटिक उसमें प्रेशर हवा की तरह से, जैसा हम हवा भर देते हैं उस तरीके से वो गाड़ी उठने लगती है और आसानी से आप अपने बुल्ट खोल सकते हैं, टायर को निकाल सकते हैं, जैक चढ़ा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। भरी गाड़ी में थोड़ी दिक्कत आपको लगेगी, थोड़ा आपको दिमाग से भी काम लेना है। अगर सॉरी मैं आपको बता दूं कि अगर आपको दोनों टायर के बीच में एक जैक चढ़ाना है तो कैसे चढ़ाओगे, तो आपको एक बढ़िया ट्रिक बताता हूं कि जो दोनों का गैप होता है उस एक रस्सी आप ले सकते हैं, रस्सी से दोनों को नाप करके और बीच में जो निशान होता है वहां पर आप जैक चढ़ाइए, दोनों टायर आपके उठ जाएंगे। ऐसा अक्सर होता है कि आपको अगर एक जैक से दोनों टायर उठाने हैं तो आपको अगर गलत जैक लगा दे तो बार बार मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर चूड़ी का जैक है तो बहुत ताकत लगती है, मुझे पता है, आपको नहीं पता है अगर आप नहीं चढ़ाते हो तो हमेशा बीच सेंटर में जैक को लगाए और वहीं से उसको उठाना शुरू कर दें। टायर को कितना उठाना चाहिए, दो उंगली आप टायर को उठाइए जिससे आपको चढ़ाने में और उतारने में टायर में ज्यादा परेशानी ना हो। तो भरी गाड़ी में खाली गाड़ी में ज्यादा अंतर नहीं होता है, बस आपकी एक सोच होती है कि भरी गाड़ी, एक होती है कि खाली गाड़ी, बस इतना होता है और कुछ नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में थोड़ी सी यही नॉलेज आपको देने वाला था। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई लोगों को बाद में घंटी को जरूर दबाए, क्योंकि हम ट्रक से जुड़ी गाड़ी से जुड़ी सभी वीडियो आपके चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं।